अरे 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 सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेमिंग आइकॉन। गाइज, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज गाइज ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है वन टैप हेडशॉट टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेकर, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ वन टैप हेडशॉट का पूरा सेटिंग, जिससे कि आप लोग वन टैप हेडशॉट इजीली गाइज मार पाओगे। तो वीडियो को गाइज पूरा देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। एंड जिन लोगों को भी वन टैप हेडशॉट नहीं मारना था या फिर वन टैप हेडशॉट कभी कभी लगता है कभी लगता भी नहीं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके गाइज 99.9% हेडशॉट ही लगेंगे, ठीक है, बॉडी शॉट बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अच्छा, तो गाइस अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में चल रहा है गाइस 1000 डायमंड का गिव अवे, ठीक है, जो कि मिलेगा किसी एक पर्टिकुलर बंदे को। क्या करना है आपको, इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में कहीं पर भी एक कोड मिलेगा, उस कोड को मुझे इंस्टाग्राम पर देना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना गाइस, कहीं पर भी कोड हो सकता है, ठीक है। उस कोड को अगर आप सबसे पहले दोगे तो आपको पूरा मिलेगा 800 का टॉपअप, यानी कि 1000 डायमंड, ठीक है। तो जो भी बंदे लेना चाहते हैं 1000 का टॉपअप अपनी आईडी में, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में कहीं पर भी कोड मिल सकता है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले बता दो कि हाउ टू टेक वन टैप, यानी कि वन टैप हेडशॉट कैसे मारे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने वन टैप बहुत ही इजीली मार दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने एनिमी को देखा गाइज, क्या किया मैंने, अपने फायर ब्रेथ को रोटेशन करके ड्रैग कर दिया, उसकी वजह से गाइज इसको बहुत ही इजीली गाइज वन टैप हेडशॉट पड़ गया, ठीक है। अभी काफ़ी बंदे पड़ेंगे भाई, बोलेंगे मतलब कि मेरे तो हेडशॉट ऐसे नहीं पड़ते हैं, ऐसे नहीं पड़ते हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ रोटेशन ड्रैग करने से आपके हेडशॉट नहीं पड़ेंगे, इसके पीछे का साइंस है, इसके पीछे का टेक्निक है, उसको आपको सबसे पहले समझना होगा, ठीक। तो यहाँ पर एक बार और देखो, जैसे ही मैंने एनिमी को देखा, सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना जो एम है उसको एनिमी की साइड किया, ठीक है, एम एनिमी की साइड किया। उसके बाद आप मेरा जॉयस्टिक पर ध्यान दो कि मैंने जैसे ही फायर किया, मेरा फायर निकला, बटन मतलब गोली निकली, तुरंत मैंने अपने जॉयस्टिक को छोड़ दिया। जॉयस्टिक को छोड़ने से क्या होगा कि जो मेरा एक्यूरेसी है वो बढ़ जाता है और मेरा इजीली गाइस हेडशॉट लग गया। तो गाइस कभी भी आप लोग वन टैप मार रहे हो तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जॉयस्टिक यूज़ नहीं करना है जब आप लोग वन टैप हेडशॉट को मार रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें भले आप शॉटगन से मार रहे हो, मतलब MP40 से मार रहे हो, या फिर वन टैप गन से मार रहे हो, किसी भी गन से मार रहे हो, ये चीज़ होने के बाद अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोग को सभी चीज़ों को वर्क करके एकदम वन टैप परफेक्टली मारना है। तो गाइज हमारा टिप नंबर 2 होने वाला है परफेक्ट एम, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने पहले एनिमी को शॉट मारा, नहीं लगा, उसके बाद दूसरी बार रश करके मैंने इसको इजीली गाइज हेडशॉट मार दिया। अब मैं इसको स्लो मोशन में दिखाता हूँ। जैसे मैंने एनिमी को देखा, यहाँ पर गाइज मैंने हेडशॉट मारने का ट्राई किया, देखो, तो हेडशॉट यहाँ पर मेरा नहीं लगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, अपने मतलब राइट स्क्रीन को घुमाकर इस पर रश कर दिया, क्योंकि मेरा हेडशॉट नहीं लगा, मुझे पता है मेरा एम कैसे है वैसे, ठीक है। तो तुरंत मैंने जैसे रश किया, इस एनिमी ने ग्लूवर लगा लिया, ठीक है। अभी मुझे पता है एनिमी कहाँ पर खड़ा है और इसको कैसे हेडशॉट वगैरह मारना है। तो जैसे ही मतलब मैंने गन हाथ में लिया, जंप किया और जो मेरा एम है एनिमी की साइड की है, ठीक है। यहाँ पर आप मेरा जॉयस्टिक देखो कि अभी मैं जॉयस्टिक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फायर करूँगा तो मैं अपने जॉयस्टिक को छोड़ दूंगा। तो मैंने सिंपल सा गाइज कुछ नहीं किया, अपने फायर बटन को रोटेशन करके ऊपर खींच दिया, मतलब नीचे करके ऊपर खींच दिया एकदम फायर बटन को, तो ईजिली गाइज को हेडशॉट लग गया एंड बंदा खत्म हो गया। तो गाइज यही है सिंपल ट्रिक कि आपको अपने एम को परफेक्ट रखना है, यानी कि कहाँ पर एनिमी है, कितना जंप करने पर आप कितना आपका स्क्रीन रोटेट होगा, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अभी बात कर देगा इस टिप नंबर 3, ठीक है। तो टिप नंबर 3 भी ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, तो ध्यान से देखना गाइज, ठीक है, वीडियो को। तो गाइज हमारा टिप नंबर 3 होने वाला है कि जब एनिमी मूवमेंट कर रहा है, लेफ्ट राइट या फिर कहीं पर भी दौड़ रहा है, तो उसको कैसे मारें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एनिमी मेरे सामने और मैंने एनिमी को देखा नहीं, जैसे कि मूवमेंट कर रहा है एनिमी और राइट में जा रहा था, मैंने इसको इजीली वन टैप मार दिया। तो अब इसको मैं स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वन टैप मारना है जब एनिमी मूवमेंट कर रहा हो। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले एनिमी को देखना है, जैसे कि मैंने जंप करके मैंने सबसे पहले अपने एम को एनिमी की तरफ किया, उसके बाद एनिमी को देखा कि राइट की तरफ जा रहा है, तो सिंपल सा मैंने अपने फायर बटन को नीचे करके राइट की तरफ ड्रैग कर दिया, यानी कि राइट की तरफ रोटेट करके ड्रैग कर दिया, तो ईजिली इसको हेडशॉट लग गया एंड उसके बाद मैंने ग्लू वॉल लगा लिया। तो सिंपल सा मेथड है, बस कोई हार्ड नहीं है, जिस तरफ एनिमी जा रहा है उस तरफ ड्रैग करो, आपका हेडशॉट बहुत ही इजीली लग जाएगा। अच्छा, तो गाइज यहाँ पर हमारी लास्ट टिप्स होने वाली है, जो कि होने वाली है गाइज आपकी सेंसिटिविटी, ठीक है। अब देखो ये सेंसिटिविटी कितना मैटर करता है आपके गेम प्ले के और इसके ऊपर। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि सेंसिटिविटी अगर आपका परफेक्ट जम जाता है तो गाइज सीरियसली बोल रहा हूँ, आपका एक भी शॉट मिस नहीं होगा, मतलब आपको मतलब पूरा विश्वास हो जाएगा, आप जो भी शॉट मारोगे आपका हेडशॉट ही हेडशॉट लगेगा, ठीक है। तो कृपया करके गाइस सेंसिटिविटी को एक बार मेंटेन कर लो। अब देखो मैं कैसे बता सकता हूँ आपका सेंसिटिविटी, ट्राई कीजिएगा ये कि आपका जो भी सेंसिटिविटी है वो 80+ रखो, ठीक है, 80+ रखो, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छे से हेडशॉट लगेंगे। तो गाइस आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड बाय बाय।